दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने भी नया नया PS5 लिया है और PS5 में आप अपना कोई भी साउंड स्पीकर, एक्सटर्नल साउंड स्पीकर या ब्लूटूथ स्पीकर या कोई भी ऑक्स केबल आपकी होम थिएटर की अगर आप कनेक्ट करके कोई साउंड को नहीं ले पा रहे हैं PS5 से, तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे और बताएंगे कैसे आप लोग अपने ऑक्स केबल को अपने PS5 में कनेक्ट करके अपने स्पीकर में या अपने होम थिएटर में PS5 के साउंड को सुन पाएंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कैसे आप लोग अपने PS5 से कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर या एलेक्सा डिवाइस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं या मेरे चैनल की वीडियो में आके आप देख सकते हैं, टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल का नाम है। आज की इस कम्प्लीट वीडियो में लोग बात करने वाले कैसे अपन लोग अपने जो होम थिएटर होता है जो अपने कंप्यूटर में या अपने जो और जो स्पीकर की ऑक्स केबल होती है उस ऑक्स केबल को आपको कैसे इसमें कनेक्ट करना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिससे आप कोई भी अपने होम थिएटर को या स्पीकर को कनेक्ट कर सके ऑक्स केबल के माध्यम से। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में A to Z कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हाँ, आपको बताना चाहेंगे इसको कनेक्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है, आप देख पाएंगे इस साउंड कार्ड की। ये साउंड कार्ड आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाता है आपको, लेकिन लेना यही है। अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं मिल रहा तो आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से इसका साउंड कार्ड को बाय कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपको बता इसको ओपन कर लेना, सिंपल सा ये पैनल निकलेगा, ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं करना, साउंड कार्ड को करना क्या। आपको यहाँ बताना चाहूंगा ये आपको PS5 का ये पोर्ट है, USB पोर्ट आपको इस USB पोर्ट में लगाना होता है, ठीक है। ये लग चुका है, आप देख पाएंगे लग चुका है। आपको सेटिंग करना होती है, देखिए आपको जो रिमोट होता है आपको उसमें PS5 में दबाना होता है, दबाने के बाद आपको होम स्क्रीन जो दिखाई दे रही है आपको, एक मिनट वन मिनट, ये होम स्क्रीन पर जाते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। होम स्क्रीन आने के बाद देखिए दिखाना चाहूंगा आपको आना सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड का, साउंड का आएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इनपुट डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे आप, एक मिनट ये नहीं है, साउंड आउटपुट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है USB हैंडसेट USB PA साउंड डिवाइस और यहाँ लिखा है HDMI डिवाइस। अगर आप इस पर क्लिक है तो इस पर क्लिक होने का मतलब होता है कोई साउंड है ना जो आपका HDMI केबल के माध्यम से अपनी टीवी में जा रहा होता है, आप टीवी सुन सकते हैं। लेकिन भैया अगर टीवी में साउंड नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है ना, तो इसलिए बता देता हूँ इसको हम लगाएंगे ना तो यहाँ आपको दिखाई देगा USB, ये दिखाई हैंडसेट USB लिखा हुआ है साउंड डिवाइस। अगर आप इंसर्ट मान लो इसको निकाल देते हैं, देखिए ये निकाल दिया, अभी आप देख पाएंगे यहाँ से ऑप्शन हट चुका है। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूंगा ध्यान दीजिए यहाँ लाइट आएगी और यहाँ देख पाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। आप सिंपल जो आपका स्पीकर है उसको यहाँ देख पाएंगे, इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है माइक के लिए और एक साउंड के लिए, अब उसमें लोगो दिया आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको जो आपका जो हेडफोन है ना हेडफोन उसे हेडफोन में लगाना है, एक माइक के लिए है इसमें हेडफोन के लिए लगा दिया। अब सिंपल चलिए अपन ट्राई करते हैं, साउंड को ओपन कर देते हैं स्पीकर को, हाँ सॉरी अभी ये कनेक्ट हो गया लेकिन आवाज नहीं आ रही क्योंकि ये स्पीकर बंद है, इसको ऑन करना होगा, सॉरी भूल गया था मैं, हाँ तो ऑन कर लेते हैं, एक मिनट जाइए। ठीक है तो अभी देख पा रहे हैं, अभी देखिए साउंड सुनिए इसमें से आ रहा है, अगर मैं इसको निकाल दूंगा देखिए ये निकाल तो ये आपको क्लियर होगा होगा कि कैसे आपको भैया आपने PS5 में कोई भी होम थिएटर या कोई भी ऑक्स केबल को कैसे कनेक्ट करना है। दोस्तों ये वीडियो YouTube पर नहीं है क्योंकि जब मैंने इसको बाय किया हो तो भैया मैंने बहुत परेशान हुआ हूँ भैया इसका मैं साउंड कैसे सुनूं, कुछ टाइम तो भी मैं हेडफोन लगा के सुनता रहा, इसमें रिमोट सेटिंग दी हुई है, लेकिन आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे आप लोग ये कर सकते हैं। अगर सेकंड मान लीजिए कि आपके पास कोई ब्लूटूथ स्पीकर है, कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर या हेडफोन है, तो क्या करेंगे आप इसको निकाल लीजिए यहाँ से, निकाल दिया ठीक है, आप देख पाएंगे ये जो कंट्रोलर है तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस कंट्रोलर में आपको एक इनपुट डिवाइस देने को मिलता है पिन लगाने के लिए, हम इसको ट्राई कर सकते हैं, ये देखिए इसमें आप हेडफोन लगा के बाकायदा बढ़िया फोटो होते हैं आप खेल सकते हैं गेम हेडफोन लगा के और कोई भी स्पीकर पास में रखा हुआ है उसमें लाज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं साउंड आप ला सकते हैं और ये वायरल भी कर रहा है, यहाँ से निकाल दूंगा देखिए निकल चुका है, फिर लगाऊंगा। चलो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा और हेल्पफुल लगा हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। भैया हमारे चैनल पर बहुत यूजफुल वीडियो पड़ी हुई है आप लोगों के लिए, काफी मेहनत करते हैं, देखिए भैया 60,000 का खरीदा
इससे पहले बी आई वीडियो बनाई थी, इतनी बड़ी टीवी, कितना पैसे खर्च कर चुके हैं, हमें मिलता कुछ नहीं यूट्यूब से, हरण चमन नहीं मिलती, लेकिन हम लोग चाहते हैं कोई हेल्प हो, तो निवेदन मेरा आपसे है कि प्लीज को लाइक कर दीजिएगा और जो भी भाई चैनल बनाए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।